लाइव मुंबई हीरोज वर्सेस तेलुगु वॉरियर्स। 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई हीरोज थे केवल 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर, एंड ऑफ कोर्स तेलुगु वॉरियर्स वे अहेड ऑफ द गेम। 10 ओवर हो चुके हैं, 64 रन बना लिए, 10 ओवर बाकी हैं, 64 रन बनाने हैं। लक्ष्य बहुत ही आसान, और जब तक मुंबई हीरोज और विकेट्स नहीं लेंगे ये मैच तेलुगु वॉरियर्स के बिल्कुल जेब में है। आराम से छूछा के एक रन लो इधर एक रन लो उधर और बड़ी आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो 30 गज के दायरे पर जो फील्डर्स हैं उनको थोड़ा और अंदर आना पड़ेगा, सिंगल्स किसी तरह से रोकने पड़ेंगे और तभी बैट्समैन प्रेशर में आके थोड़ा ऊपर से मारने की कोशिश करेगा, और वही एक चांस है मुंबई हीरोज़ के लिए, क्योंकि अगर मैदान में 30 गज के दायरे के अंदर जगह है तो सिंगल्स बड़ी आसानी से ले लेंगे। सीधी गेंद, सिंगल निकाला गया, कुछ खास नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस गेंद को दिशा देनी है, केवल बल्ला दिखाना है और आसानी से सिंगल्स मिल सकते हैं। दैट्स नॉट व्हाट मुंबई हीरोज शुड बी अलाउइंग देम टू डू। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, वीर मराठास वर्सेस केरला स्ट्राइकर्स अगला मैच, लेकिन इस वक्त हिंदी फिल्म जगत के खिलाड़ी तेलुगु फिल्म जगत के खिलाड़ियों के साथ भिड़े हुए हैं। अपूर्वा लाखिया ने शानदार बल्लेबाजी की है, आदर्श अच्छे ऑलराउंडर वरुण बड़ोला उनको गेंदबाजी करते हुए लेग साइड पे जाती हुई, और ये आप क्या फेंक रहे हो, चिड़िया चुग गई खेत। मौका था, क्लीन अप पिकअप एंड थ्रो। हालांकि जब नॉन स्ट्राइकर स्टार्ट ले लेता है तो उसके लिए स्ट्राइकिंग एंड पर यानी कि डेंजर एंड पर पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये मामला नजदीक हो सकता था। वत्सल सेठ क्रिकेट के चाहने वाले, हम साथ में खेल चुके हैं और वत्सल को ही डजंट टेक दिस लाइटली, अगर उन्होंने मिसफील्ड की है तो वो अपने आप को कोस रहे होंगे। ओह बड़ा शॉट, हालांकि पट्टा था लेकिन अच्छा शॉट खेला गया। सचिन लिंप करते हुए, उनके काफ में प्रॉब्लम हुई थी शायद, एक तरह से अच्छा है कि और शक्तिशाली शॉट नहीं था या हवा में और नहीं था, क्योंकि बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ गई थी और राजा भरवानी ने एक बहुत अच्छा कैच वैसे ही इस मैच में पहले लिया है। अच्छी फील्डिंग राजा की एक बार फिर, एक और सिंगल, अगर बल्लेबाजों पर प्रेशर डालना है तो फील्डर्स को कुछ नया ट्राई करना होगा। बहुत दूर खड़े हैं, 30 गज के दायरे तक आसानी से गेंद पहुंच रही है, सिंगल्स लिए जा रहे हैं। राजा जो लॉन्ग ऑन पर हैं, सचिन जोशी, लेफ्टी सचिन जोशी के लिए ही मे कम इन टू प्ले अगर सचिन उठाकर खेलना चाहते हैं। व्हाट अ शॉट, सचिन जोशी, मतलब इसे कहते हैं होश से प्यार मोहब्बत से खेलना। हाँ जी, बहुत खराब गेंद थी लेकिन सबसे बढ़िया बात यह थी सचिन ने कुछ जोर से मारना नहीं चाहा, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी हैं, बस बल्ला थोड़ा सा बॉल पर लगाया, ये देखिए और आसान चौका। सचिन जोशी प्रूविंग हिमसेल्फ कि वो तेलुगु वॉरियर्स की टीम में फिट बैठते हैं, एंड ही डिजर्व्स टू बी देयर। भाई मालिक भी है तो मैं वही बोल रहा था सर कि डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मेरी टीम में मैं तो खेलूंगा। वेल प्लेड अगेन, और इसी के साथ 2 रन पूरे, 11 ओवर की समाप्ति, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
Dubai or not Dubai? Ladies and gentlemen, welcome back here. Goa Nicofix CCL powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic live from Dubai. That's right, guys. Thank you, CCL, for organizing this match in Dubai during the Dubai Shopping Festival. जहाँ पे मैंने दो लॉलीपॉप खरीदी क्योंकि बाकी सब बहुत महंगा था. कबीर सदानंद ऑफ ब्रेक गेंदबाज स्ट्रेट पॉइंट मिसफील्ड ओवरथ्रो हो क्या रहा है बाबूजी थ्रो वाज़न्ट ऑल दैट बैड आफ्ताब वेल डन. All right, let's go downstairs and find out what else is happening in CCL 4. Back to the game. Oh ho! Ah, that could have been stopped. Lekin dusre run ke liye tezi se bhag rahe hain and a very good throw. A very very good throw. डायरेक्ट लगी कि नहीं अगर डायरेक्ट थ्रो नहीं थी तो शायद मुश्किल था. आई थिंक इट मे हैव रिकोशेटेड ऑफ द कीपर्स पैड्स बट अंपायर कंप्लीटली अनइम्प्रेस्ड. एब्सोल्युटली. आइए चलते हैं नीचे जहां पर इस वक्त एक बड़ी खास शख्सियत हमारा इंतजार कर रही है. सो स्टेडियम में गर्मा गर्मी जो है बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे शाम जो है वो जवान होती जा रही है और गर्मी और बढ़ती जा रही है. और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान भी पहुँच चुके हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. लोग पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे दो मेहमान और हैं. एक तो है सनी हमारे साथ. शी सनी एंड आई एम फनी एंड वी बोथ आर इन द सेम स्टेडियम. और दूसरे हैं यमराज. भाई साहब एक बात बताइए, आप आज मैच में क्या कर रहे हैं? मैच अब तो मैं CCL का मैच देख रहा हूँ जहाँ भी हो रहा है. मुंबई में भी देखा, बेंगलोर में भी देखा और यहाँ भी आया हूँ. ये निकोफिक्स जो हमारा चिंगम है कि निकोफिक्स चबाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ, तो बस इसी का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ ज़ोरों से. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जान लेने का काम करती हैं सनी. सनी को देख के लोगों की जान निकलती, लेकिन बदनाम जो हैं ये हमारे यमराज साहब हुए हैं. सनी एक तो ये बताइए, आज आप किसको चीयर कर रही हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं? तेलुगु वॉरियर्स. तेलुगु वॉरियर्स. एनी स्पेशल रीजन व्हाई यू सपोर्टिंग देम? व्हाई नॉट मुंबई हीरोज बेबी? बिकॉज़ आई एम अ ब्रांड एंबेसडर फॉर ट्रिपल एक्स एंड ट्रिपल एक्स इज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स फॉर तेलुगु वॉरियर्स. ओके. और मैं हिंदी में बात करना था, सॉरी. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सनी आपसे अभी हिंदी में बात करेंगे. यस सनी, सो वो तो ठीक है, आप तेलुगु वॉरियर्स को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन मुंबई हीरोज में आपका कोई स्पेशल कोई फ्रेंड जिसको आप सपोर्ट करना चाहें कि नहीं? ठीक है टीम कोई भी जीते, लेकिन हाँ वो मेरे फ्रेंड हैं, उनको मेरी स्पेशल यू नो बेस्ट विशेज है. मुंबई हीरोज में कोई ऐसा? सलमान खान. सलमान खान इज नॉट प्लेइंग सनी. इट्स ओके, ही इज पार्ट ऑफ द टीम. ही इज पार्ट ऑफ द टीम. सो सनी सलमान खान को सपोर्ट कर रही हैं. यमराज साहब आपका कोई पर्टिकुलर हो कि आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चूंकि निकोफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं गोवा निकोफिक्स की तरफ से हूं. ये जो तेलुगु वॉरियर्स हैं उन्हीं की तरफ से हूं और इस वक्त इस वेश में ऐसे तो मैं मुंबई के साथ ही हूँ. अरे वाह वाह, तो यमराज साहब भी मुंबई के साथ हैं और ये कहना चाहते हैं कि कोई कुछ भी करे ये इसको प्रमोट कर रहे हैं गोवा निकोफिक्स को. और इनका कहना है कि ये चबाइए और तंबाकू छोड़िए और जितनी ज़्यादा कम डेथ होगी मौत होगी उतना इनका काम. थोड़ा आपको रिलैक्स करने को दिल करता है बेसिकली. सीरियल मैच जहाँ भी होगा देख पाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा और मैं थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँगा क्योंकि दिन में आजकल हज़ार हज़ार पिकअप हो गए हैं. मैं हज़ार पिकअप एक साथ करना नहीं चाहता हूं, तो मैं आज दुबई आया हूं. अब मैं यही आग्रह करूंगा कि गोवा निकोफिक्स चबाएं और अपनी उम्र बढ़ाएं. जो भी खैनी, तो आप अपना स्टाफ क्यों नहीं बढ़ा लेते? नहीं, स्टाफ तो बहुत है मेरे पास, सबको मैं विश्राम देना चाहता हूं. विश्राम मिल नहीं रहा है कई मनवंतर से. इस कलयुग में तो बहुत पिकअप बढ़ गया है, बिल्कुल विश्राम नहीं है. यहाँ तक कि घर टूटने की नौबत आ गई है और चित्रगुप्त को मेरे बच्चे जो हैं पापा पापा कह रहे हैं. सनी आप सपोर्ट करना चाहेंगी जो एंटी स्मोकिंग बेसिकली हम लोगों ने कैंपेन चलाया CCL की तरफ से, सो आप क्या कहना चाहेंगी एंटी स्मोकिंग के बारे में? अगर आप स्मोक करते हो, इफ यू वांट टू स्टॉप स्मोकिंग, स्टार्ट चूइंग निकोफिक्स एंड लिव लॉन्गर होपफुली. देखिए आदमी में जज्बा होना चाहिए तो वो क्या नहीं कर सकता. अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं. जैसे सनी ने एक ठान रखा था कि मैं बॉलीवुड में आके एक्ट्रेस बनूंगी और इतनी
मतलब जबरदस्त हिंदी बोलने लगी है सनी. सनी गुड टू सी यू. आप बड़ी अच्छी हिंदी बोलने लगी हैं. कोई खास ट्रेनिंग ले रही हैं आप बताइए? हाँ आपसे. मेरे से कब ट्रेनिंग ली आपने? मैं तो आपसे इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. हाँ हम सेम पेज में हैं. You're learning English. We're on the same page. Me and Sunny, Sunny and Funny and Yamaraj also. So now over to studio. Thank you so much, Kapil Sharma. And of course, Goa Nicofix ki baat chal rahi hai. And seriously, agar aap cigarette smoking quit karna chahte hain, to aap iska istemal kijiye and I'm sure it'll work for you. This is Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पाव स्लिप. दैट कुड हैव बीन डेंजरस. आई होप इज ऑल राइट. भाई वी हैव हैड इनफ ऑफ इंजरीज नाउ. कम ऑन शबीर. शबीर यार थोड़ा ध्यान से आराम से, बिकॉज इसका भी जो एक्शन है, जैसे कि आई हैव टू स्पीक दिस विद केयर, आई सेड सनी अ फ्यू टाइम्स, आई बेग योर पार्डन. बॉबी देओल का जो एक्शन है उसकी ये इससे ये दुगना मतलब लफड़ झफड़ है शबीर वालिया. और बैट्समैन अगर हो तो वो बोले कि भाई ये कर क्या रहा है ये, वो कब बॉल करेगा, क्या होगा इसका. एक्शन बड़ा मतलब डिसेप्टिव है, लेकिन कभी कभी खुद को भी गिरा देता है. देयर वाज अ टाइम ऑफ पॉल एडम्स, लेकिन नाउ आर द डेज ऑफ बॉबी देओल एंड शब्बीर अहलूवालिया. व्हाई नॉट. ओके, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए. डाउन लेग फॉर द लेफ्टी. यही तो प्रॉब्लम है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में बड़े बड़े चूक जाते हैं. गेंद इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन लाइन लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी खराब. सलमान खान, ही इज इन दुबई एंड दुबई इज लविंग इट. अरे मतलब एंड दैट्स गॉन. द एक्शन हैज वर्क, द रन अप हैज वर्क, एंड दैट्स द एंड ऑफ सचिन जोशी. हाँ जी, बड़ा शॉट मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सचिन जो थोड़े से इंजर्ड हैं, एक काफ में क्रैम्प आया था, बल्ला घुमाया और हल्का सा एज, बड़ा आसान कैच विकेट कीपर के लिए. देखिए एक बार फिर शब्बीर बसलिंग एक्शन, गोइंग अक्रॉस सचिन, और पैर वैर कहीं उन्होंने लाए नहीं, सिर्फ बल्ला घुमाया, हल्का एज एंड शब्बीर अहलूवालिया एंड ऑल मुंबई हीरोज एब्सोल्युटली डिलाइटेड. एक और विकेट, और विकेट्स ही उन्हें बचा सकते हैं इस मैच में, लक्ष्य तो ज़्यादा है नहीं. सचिन जोशी आफ्टर गुड इनिंग्स बैक इन द पवेलियन. उन्होंने बनाए 22 रन और तेलुगु वॉरियर्स का चौथा विकेट गिरा 87 रन. Welcome back, Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. Dubai se live is waqt hum aapke saath hain. And here it is, Akhil. Hey, Mumbai Heroes ke liye aur bhi musibat, kyunki Akhil ne pichli baar sirf 22 run banaye the, lekin jis tezi se aur jis shakti se banaye the wo dekhne layak tha, aur bechare jaldi out ho gaye 22 run banane ke baad, lekin he is a fantastic bat, mantra I've got to say. Cricket goes seriously lete hain, and I'm sure he wants to make a career in this sport. But being the family he belongs to, I'm sure that films is what he'll follow up with. Pehli gend par kitna badhiya timing ke saath unhone sirf halka sa push kiya tha, lekin tezi se gend gayi boundary line ke paas jahan Varun Bodola the. But pleasure to see that shot, because timing ke hisab se ye dekhiye Sachin ka wicket halka sa outside edge. And an easy catch for Indraneel. I love the way Shabir is bowling. Aur wo apne run up ke shuruaat mein ek halka sa jump lete hain. Yeah. Oh, well played again. Achhi fielding vice captain Aftab ki. Thoda sa isi chot bhi lagi haath mein. Lekin kyunki clean nahi utha paaye, isliye run was always on. लगी उंगलियों पे. ओह,
फिर भी लुढ़का बॉल के ऊपर जाके वेल प्लेड अगेन और पुराने जमाने में हम कहते थे वन फॉर द थ्रो, बिल्कुल वही हुआ। हालांकि फील्डिंग टाइम पर हो गई थी लेकिन जब तक की बॉल फील्डर के हाथ में थी तब भी उन्होंने एक रन ले लिया, स्टोल इट। अखिल ऑफ कोर्स इज वेरी क्विक एंड सो टू आदर्श, दे बोथ यंग, फॉरएवर यंग सलमान खान, बीइंग ह्यूमन एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अभी तक सिर्फ दो शॉट खेले हैं अखिल अकिनेनी से, लेकिन ब्यूटीफुल शॉट्स बोथ एंड अ लवली टर्न शुड बी फील्डेड एंड इट इज वंडरफुल एफर्ट एट द फाइन लाइक बाउंड्री बाय कबीर। सुपर्ब सुपर्ब कबीर सुपर्ब। ए मंत्रा, ये बल्लेबाज आया क्लास। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर के बाद तेलुगु वॉरियर्स 4 विकेट पर 93। Welcome back everyone, Goa Nicofix CCL powered by Pale 2020 Cookies and Panasonic. Varun Badola. Badula, 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 badula. That's right, shandar gendbazi ka pradarshan shuruati overs mein, jahan par Bobby Deol ne do wicket liye, ek run out. And of course, abhi Shabbir ne Sachin Joshi ka wicket liya. Here's Varun to Adarsh. Ah, well bowled. Nice, full of length ball, almost Yorker, well kept away by Adarsh. लेकिन वरुण ने अब तक जो दो ओवर पहले किए थे उसमें 14 रन दिए थे, तो इतनी किफायती बॉलिंग शुरुआत में तो नहीं की। अब भी अगर एक विकेट ले लें तो थोड़ा सा दबाव डालने का मौका है मुंबई हीरोज़ के लिए, लेकिन अगर अगले एक दो ओवर में विकेट नहीं लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मंत्रा, लेकिन मुंबई हीरोज़ गुड नाइट, गुड बाय इन दुबई। एब्सोल्युटली गुड नाइट एंड गुड बाय इन दुबई इज व्हाट इट्स गोना बी अगर इस बॉल पे विकेट नहीं गया, इस बॉल पे कोई नहीं सुन रहा मेरी। एनीवे बट दिस इज इट, बिकॉज 34 रनों की जरूरत है 40 गेंदों में और 2020 में दिस इज डेफिनेटली गेटेबल। और आपको याद दिला दें कि इस वक्त इस स्थिति में पहली इनिंग्स में यानी कि 13.2 गेंदों के बाद मुंबई हीरोज का स्कोर था 55 8 विकेट पर और इनका स्कोर है 94 4 विकेट पर। मत सोच सकते हैं कि क्या कितना डिफरेंट रहा है इन दोनों का खेल। वेल प्लेड अखिल, एवरी सिंगल शॉट ही इज प्लेड एंड होप आई डोंट हैव द कमेंटेटर्स कर्स। बेहतरीन टाइमिंग, गैप्स इन द फील्ड, शॉट जैसे मैंने कहा उन्होंने लंबा शॉट मारने की कोशिश की और टाइमिंग बिल्कुल नहीं इस शॉट में, बच गए कि लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के हाथ में नहीं गई गेंद। आदर्श लंबी रेस के घोड़े माफिक वहां पे टिके हुए हैं, पिछले मैच में भी खूब रन बनाए थे आदर्श ने, तो विकेट कीपिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं अच्छी और बल्लेबाजी तो अच्छी करते ही हैं। वंडरफुल ऑलराउंड क्रिकेटर फॉर द तेलुगु वॉरियर्स एंड गुड लुकिंग यंग एक्टर। बॉल में मूवमेंट, आखिरी मिनट पे गेंद स्विंग होती हुई, समीर कोचर नंबर 100 की जर्सी पहन के, अनफॉर्चुनेट
बहुत ही बुरा शॉट खेला उन्होंने अपने इनिंग्स में एंड ही लॉस्ट हिज विकेट. हियर इज द लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर. ओहो, जैसा कि मैंने कहा गेंद मूव कर रही है. इसी के साथ 14 ओवर की समाप्ति. 99 रन चार विकेट के नुकसान पर. Welcome back everyone. Go on NicoFix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Main Mantra is waqt Dubai se live aap se baatcheet kar raha hu from the commentary box and match ek interesting mode par. Interesting isliye kyunki ye kisi bhi waqt khatm ho sakta hai because the Telugu Warriors are doing an amazing job. गुड शॉट अगेन. अखिल के बल्ले से शॉट बड़ा तेजी से निकलता है. इसी के साथ तेलुगु वॉरियर्स के 100 रन पूरे 15वें ओवर के पहली गेंद पर. 28 गेंदों पर 35 रन. तेलुगु वॉरियर्स के कुछ सपोर्टर्स हमारे कमेंट्री बॉक्स में तक के चले आए हैं. देयर इट इज. अगर कोई यहां पर अगर कैमरा चालू हो तो यहां से देखा जा सकता है. As a beautiful Archana. How are you? Well, she says a big hi to everyone there. Aur isi ke sath chauka. It's slipping away from the Mumbai Heroes. Adarsh, ek adarsh pari khelte hue. Wow, Shruti Hassan. Isn't she beautiful? In fact, thanks to the flight to Dubai, I got a chance to watch an amazing film called D-Day, jisme Shruti Hassan ka kaam bahut hi pasand aaya, including all the actors. And here we go again, Shabbir. Kuch kar dikhao, Shabbir. Ek kare bhi dikhaye bhi. Kar kya? Kare bhi aur dikhaye bhi. Kuch kar dikhaye. Been a real joy to see this young man Akhil Akineni, because he may not have done too many films just yet, but comes from a terrific film family, and of course his cricket is just of the finest caliber. Bowling aaj thoda sa chuk gaya Akhil, lekin ballebazi mein ab tak jo bhi kuch khela hai acche shots khele hain, ekdum is time kiya. Adarsh plays it to backward point and Akhil is so quick here. Very quick, and of course Watsal could have been quicker. 21 run 31 gendon mein. Not a tough job at all, unless Shabbir kuch kamal dikha de. Good boy Watsal. Take a look at the run up again. Unorthodox, लेकिन सक्सेसफुल हो तो अच्छा. ये शब्बीर ने गेंदबाजी बुरी नहीं की है, लेकिन बल्लेबाजी इतनी अच्छी है अकेल की खासतौर से कि फर्क नहीं पड़ रहा. 15 ओवर समाप्त, 4 विकेट पर.